हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं। 18 से 20 ब्रेड हमने लिया है, जिसकी किनारी को हमने काट लिया है, और उसी के साथ हम यहाँ पे दूध लिए हैं 1 लीटर, जिसको हमने गरम कर लिया है। 250 ग्राम हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, और उसको हम पानी डाल के स्लरी बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, हम यहाँ पे प्योर घी लिए हैं ब्रेड को फ्राई करने के लिए। जब तक घी गर्म हो रहा है, हम दूध की बाकी तैयारी करते हैं। दूध बॉईल हो गया है, अब इसमें हम धीरे धीरे कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे। धीरे धीरे इसलिए डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना आ जाए, और ये अच्छी तरह से गाढ़ा चाहिए हमको, वो गाढ़ा हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को हम करते हैं बंद और इसको रखते हैं साइड पे। अब हमने लिया है शुगर, और उसमें डाल रहे हैं 500 ml पानी, और शुगर हमने लिया है 400 ग्राम्स। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और शुगर के पिघलने तक और एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। लेमन येलो कलर हम डाले हैं, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। और उसी के साथ हम डाल रहे हैं 1 चिमटी केसर। अगर आपके पास केसर है तो केसर डालें, नहीं तो आप इलायची डालें, या ऑप्शनल है ये, अगर आपका दिल चाहता है तो आप डालें। चाशनी बॉईल आ गई है, फ्लेम को करते हैं हम बंद। और ये फिटकरी है, इसको हमने बारीक चूरा करा है, और 1 चिमटी सिर्फ इसके अंदर डालेंगे। सिर्फ 1 चिमटी डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि ब्रेड आपकी बिल्कुल टूटेगी नहीं। इसको रखते हैं साइड पे। घी गरम हो गया है, ब्रेड हम फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन होने तक हमको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड जल जाएगी और आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखिए, अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है, और इसी तरह से सारे ब्रेड्स गोल्डन करके हम डालेंगे इस चाशनी के अंदर। और चाशनी के अंदर इस तरह से इसको दूसरी ब्रेड तलने तक हम इसको भिगा के रखेंगे, और दूसरी ब्रेड भी हम इसके अंदर फ्राई करने डाल देते हैं। जब तक ये तलेगी, वो पहली वाली ब्रेड भीग जाएगी। देखिए, दूसरी ब्रेड भी हमारी गोल्डन होने आई है, और पहली ब्रेड को हम निकाल देते हैं। ये भीग चुकी है, इस तरह से हम इसको निकालेंगे, और ट्रे में जिसमें आपको डेकोरेट करना है, जिसमें आपको सर्व करना है, उसमें आप निकाल के इस तरह से रखेंगे। देखिए, ब्रेड बिल्कुल हमारी टूटी नहीं है, कि इसकी वजह यही है कि फिटकरी जो हमने डाली थी, उसकी वजह से ब्रेड बिल्कुल भी टूटी नहीं है चाशनी में जाके। और ये दूसरी ब्रेड भी इसी तरह से हम निकाल ले रहे हैं, और इसको डाल दे रहे हैं चाशनी के अंदर। इसी तरह से सभी ब्रेड को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ब्रेड हमारा फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो गया, चाशनी में हमने डाल दिया है। और ये 6 जो हमने ब्रेड रखा है, उसके आगे हमारे पास थोड़ी जगह बची थी, तो हम इस ब्रेड को इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने इसको डबल कर दिया है, और यहाँ पे रख दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे डबल की लेयरिंग कर दी है। अब ये जो पहला लेयर हमारा तैयार हुआ है, उस पर हम ये क्रीम जो हमने बनाया था,
इसको डालेंगे इसके ऊपर। और हमारे पास और भी ब्रेड बाकी है तो उसके ऊपर और लेयरिंग हमने लगा दी है। इस तरह से सेकेंड लेयर भी हम उसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से सब ब्रेड को और रख देते हैं। सेकेंड लेयरिंग भी हो गई है हमारी और इसी तरह से हम सारी क्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं। लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो चाशनी थोड़ी बची थी वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इस चाशनी को इसके अंदर डाल दें और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन के लिए हमने बादाम पिस्ता बहुत बारीक सा कटवा लिया है और इसको डाल रहे हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं डेकोरेशन के लिए थोड़ी टूटी फ्रूटी, थोड़ा कलरफुल दिखेगा तो अच्छा लगेगा। हमने रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी यूज़ की है। ये ऑप्शनल है लेकिन मेहमानों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप ज़रूर डालें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और हमने थोड़ी चेरी से इसको डेकोरेट कर दिया है इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन बना है। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरह से डेकोरेशन कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और मेहमान भी आपके बहुत खुश होके जाएंगे। सो, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे लिखिएगा कि आपका शाही टुकड़ा कैसे बना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर करिएगा, मैं हर क्वेश्चन के जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।